2022 एक ही विकल्प माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वंदे मातर। पूर्वांचल की सियासत में सोनम किन्नर एक बड़ा नाम बनकर उभर रही हैं। हाल ही में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोनम ने सबसे पहले सुल्तानपुर जिले का दौरा किया और फिर उसके बाद वो गांधी परिवार के गढ़ यानी अमेठी पहुंच गई। अमेठी जिले में सोनम किन्नर का जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे खास बात तो ये थी कि खास मेहमानों के मंच पर एक बहुत ही अहम शख्स बैठे हुए थे। चलिए आप खुद देखिए कि आखिर कौन है मंच पर। क्यों, पहचान गए ना? ये हैं सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति शिव कुमार से। शिव कुमार सिंह की सीधी टक्कर सोनू और मोनू से है, लेकिन अब शिव कुमार को सीधे सोनम किन्नर का साथ मिल रहा है। लिहाजा यह मानना गलत नहीं होगा कि सोनू मोनू की दिक्कतें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सुल्तानपुर अमेठी जिले में लगातार चुनावी रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, तो भला नई नवेली राज्य मंत्री सोनम किन्नर कैसे पीछे रह सकती हैं। सोनम किन्नर सुल्तानपुर के बाद अमेठी पहुंच गई, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान वह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसी, लेकिन अब बात आती है सुल्तानपुर के बाहुबली सोनू और मोनू की, जिनकी दिक्कतें अब और ज़्यादा बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि सोनम किन्नर अब राज्य मंत्री हैं और सोनम जाने अनजाने सोनू मोनू का नुकसान ज़रूर करेंगी। ये कैसे होगा वो हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा इस मंच पर गौर करिए। इस मंच पर तमाम नेताओं के साथ सिर्फ एक ही मशहूर चेहरा नज़र आ रहा है और वो हैं सुल्तानपुर के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह और बाहुबली भाइयों के बीच काफ़ी अरसे से अदावत चल रही है। जिला पंचायत चुनाव के दौरान तो दोनों गुट एक दूसरे के सामने ही आ गए। एक तरफ बीजेपी के समर्थन से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार ऊषा सिंह थी और दूसरी तरफ बाहुबली सोनू और मोनू की बहन अर्चना सिंह। शिव कुमार सिंह ने अपने सारे दांव चले और सत्ता की हनक के आगे सोनू मोनू की एक न चल सकी। नतीजतन ऊषा सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान दोनों भाइयों पर अलग अलग आरोपों में कई मुकदमे भी दर्ज हो गए। जिला पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है। सियासी जानकारों के मुताबिक सोनू मोनू या तो खुद चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी बड़ी पार्टी के टिकट पर अपने किसी चंगू मंगू को चुनाव लड़वाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सोनू मोनू के उस प्यादे की जीत 70% तक तय है और उसे महज 30% के लिए ही कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन शिव कुमार ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि सुल्तानपुर की सियासत में सोनू मोनू दोबारा कदम रखें, लिहाजा वो नई नवेली राज्य मंत्री का इस्तेमाल करते हुए सोनू मोनू को कमजोर करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। नेक मांगने का काम है वो प्रथा चालू रहेगा, कोई किन्नर बदतमीजी नहीं करेगा जनता से, कोई किन्नर जबरदस्ती नहीं करेगा। स्वीकार से जो संभावना से जो किन्नर असली होते हो कभी किसी के यहाँ बदतमीजी नहीं करते, वो स्वाभिमान और सम्मान और परिवार समझ के उनको सम्मान देते हैं। इसलिए किन्नर समाज के लिए जितना अधिकार हमें मिलेगा उसको पूर्ण यूज करेंगे और पूरा किन्नर के लिए नहीं, आम जनता 25 करोड़ जनता हमारा परिवार है। हम राज्य मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की नॉमिनेट की हुई, तो इसलिए किन्नर समाज के साथ साथ जनता का भी मैं विकास करने के लिए समाज से जुड़ी हूँ। 2022 एक ही विकल्प माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, वंदे मातर। शिव कुमार की मंच पर मौजूदगी खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि सोनम किन्नर और शिव कुमार के बीच रिश्ते कितने मजबूत हैं। अब देखना ये होगा कि शिव कुमार का दिमाग और सोनम किन्नर की पावर सुल्तानपुर में क्या गुल खिलाती है। यह खबर अमेठी जिले से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक और सहयोगी अजय यादव ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।